प्रेमी साथियों, जैसा कि मौका राजा हरिश्चंद्र के प्रसंग से, जब पंडित जी ने आदेश दिया तारा को कि हमारे लिए फूल तोड़कर लाने हैं। होली का त्योहार है, प्रेमी साथियों, उस छोटे बच्चे रोहतास को फूल तोड़ने के लिए बागों में भेज दिया जाता है। उधर विश्वामित्र मुनि जो कि सर्प का रूप बनाकर बाग के अंदर बैठे हुए थे, रोहतास जैसे ही फूल के लिए हाथ बढ़ाता है, ठीक उसी वक्त विश्वामित्र मुनि ने सर्प का रूप धारण कर रोहतास को डस लिया। साथियों, लाश के रूप में पड़े हुए रोहतास को देखकर वो मालन जाकर तारा को खबर देती है कि तेरे पुत्र को रोहतास, जो अपना नाम बताता है, बागों के बीच में पड़ा हुआ है, उसको सर्प ने डस लिया है। साथियों, रोती बिलकती वो तारा अपने पुत्र के पास पहुंचती है, लाश को उठा लेती है, साथियों शमशानों के बीच पहुंच जाती है। जाकर बेचारी कहीं से लकड़ी गोसे इकट्ठे कर लाश के लिए चिता तैयार कर लेती है। तो उधर राजा हरिश्चंद्र जो कि कालियाभंगी की ड्यूटी पर थे, देखते हैं आकाश में धुआं जारी है। प्रेमी साथियों आकर चिता को लात मारकर बखेर देते हैं और कह देते हैं कि अबला यहां से लाश को उठा लीजिए। किस तरह से आपस में दोनों के सवाल और जवाब होते हैं, आइए सुनते हैं इस रागनी के माध्यम से। चोरी क्यों जमावे पिया, क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। अरे घाट पे समझ क्या सारी, घाट पे समझ क्या सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। चोरी क्यों जमावे पिया जी। आपको यहाँ देखकर मैंने सोचा था कि आप ऐसी आपत्ति की घड़ी में मेरे दुख में साथ देंगे, लेकिन पिया जी आपने तो आज एक नया इतिहास मेरे सामने रख दिया है। हे तारा, मैं कुछ नहीं जानता, बिना सवा रुपया और कफन के मैं तुझे यहाँ लाश नहीं जलाने दूंगा। ले जाइए लाश को और इसका दाह संस्कार कहीं और कर दो। पिया जी, अरे बागों बीच फूंक देती हो न्यालाना था
नफरत क्यों भरी से पिया वाणी तेरी मैं वाणी तेरी मैं अरे घाट पे समझ कर तारा कहानी तेरी मैं ओ जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं रानी तेरी सताने से मेरा मन और दुखी होगा पिया जी। तारा मैं अब वो राजा हरिश्चंद्र नहीं रहा, मैं भी कालिया भंगी की नौकरी करता हूँ और इस चीर को और कंठी को ले जाकर के मैं उसी कालिया भंगी को दे दूंगा।